मैं डॉक्टर फहमीदा बीजापुरे, किडनी विभाग प्रमुख, कबापा महाविद्यालय पंढरपुर। आज हम लोग एमए भाग दो के छात्रों के लिए ये जो पाठ्यक्रम है इसे आरंभ करने वाले हैं। एमए भाग दो के अंतर्गत 8 पेपर है कुल मिलाकर सब। एमए भाग एक में 4 और एमए भाग दो के अंतर्गत 4। अभी मैं जो आपको पेपर पढ़ाने जा रही हूँ, ये पेपर नंबर है 8 है, पेपर नंबर 8, जिसका नाम है मध्ययुगीन काव्य, प्राचीन एवं मध्ययुगीन काव्य। देखिए, आप लोगों को विभिन्न काव्य आप लोग तो पहले से पढ़ते आए हैं, जैसे कि 5वीं कक्षा से लेकर पीजी तक, एमए तक आए हैं, और इसी के अंतर्गत एमए भाग दो में आपको पेपर नंबर 8, पर्चा नंबर 8 के अंतर्गत ये बताया गया है कि प्राचीन एवं मध्ययुगीन काव्य। अब ये मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत क्या है, तो मध्ययुगीन कवि है, जैसे कि विद्यापति, बिहारी, भूषण आदि प्रकार के जो कवि है। अब आपको आज हम लोग जो देखने वाले हैं उस कवि का नाम है उनका कि विद्यापति। विद्यापति के बारे में हम लोग आज जानकारी लेने वाले हैं। तो कवि विद्यापति, इनके बारे में विभिन्न जानकारी है। अब यहाँ पर आपको उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका साहित्य कौन सा है, और उसी के अंतर्गत आपको जो पढ़ाई जाने वाली जो विधा है इसमें, तो वो है विभिन्न पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यापति की जो विधा है, तो इस विधा में आपको बताया गया है कि विद्यापति की श्रृंगार भावना, विद्यापति की श्रृंगार भावना में संयोग श्रृंगार, फिर वियोग श्रृंगार। तो अब यहाँ पर दो भावना बताया गया है, विद्यापति का संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। विद्यापति बहुत बड़े कवि है, बहुत बड़े प्राचीन कवि है, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत उनका नाम लिया जाता है, और प्राचीन कवि के नाम से ये पहचाने जाते हैं। उनके अंतर्गत विभिन्न पदावलियां लिखी है, विद्यापति ने गागर में सागर भर दिया है कहा जाता है। तो उनकी पदावली, विभिन्न पदावलियों में से कुछ पदावलियां श्रृंगारात्मक है, जिसमें श्रृंगार भरा है। अब संयोग श्रृंगार, विभिन्न रस है, उसमें से श्रृंगार के दो भेद है कहा जाता है कि पहला भेद है श्रृंगार, यानी कि श्रृंगार में पहला है संयोग श्रृंगार, और दूसरा है वियोग श्रृंगार। अब बताया जाता है कि आपको जो अध्ययनार्थ विषय है, तो इस विषय के अंतर्गत विद्यापति के काव्य में श्रृंगार भावना तथा विद्यापति के काव्य में संयोग और वियोग श्रृंगार का वर्णन कैसे किया है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर उनका साहित्य, उस साहित्य में उनकी दृष्टि संयोगात्मक दृष्टि कैसी है, वियोगात्मक दृष्टि कैसी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संयोग किसे कहते हैं, भाई संयोग श्रृंगार क्या है। हाँ, तो संयोग माने मिलन, संयोग माने मिलन, और वियोग का अर्थ है विरह, विरह। अब विरह माने दूरिया, संयोग माने मिलाप। अब हमारे साहित्य के अंतर्गत, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत विभिन्न प्राचीन कवियों ने, बिहारी हो, भूषण हो, इन्होंने, बिहारी ने सत्सई में नारी का हूबहू श्रृंगार वर्णन किया है, और उनका श्रृंगार वर्णन अतुलनीय है। उन्होंने नारी का नखशिख वर्णन किया है,
यानी कि नारी के नख से लेकर शिख तक का वर्णन उसे हम नखशिख वर्णन कहते हैं। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, ये कैसे? तो उनका भी श्रृंगार दो भागों में विभाजित है, एक संयोग में है दूसरा वियोग में है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत क्या होता है? मान लीजिए हमारा नायक है, उपन्यास कहानी एकांकी निबंध हम लोग सब देखते हैं, एकांकी के अंतर्गत जो दो पात्र होते हैं, नायक होते हैं, नायक या नायिका, तो इस नायक या नायिका का हमारे काव्य में जब मिलाप होता है, जब वो एक दूसरे के प्रति मिलते हैं, दोनों नज़दीक होते हैं, दोनों करीब होते हैं, बातें करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि भाई ये संयोग है, योग है, अच्छा योग है, संयोग है, मिलन है, तो उसमें विरह नहीं होता। और यहाँ वियोग माने दूरियाँ, जैसे कि मीराबाई को विरहणी कहा जाता है, विरहणी कवयित्री, किस तरह से उसने श्री कृष्ण का वर्णन किया है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, इतनी मगन होती है वह उसके विरह में, व्याकुल हो गई है, अखिया में आंसू आ गए, मुंह में छाले पड़ गए, रास्ता निहारते निहारते, ऐसे विभिन्न उदाहरण है विरह के। तो उसी के अंतर्गत रात दिन राधा कृष्ण इस तरह का वर्णन है, सूरदास ने किया है, सूरदास ने अपने गोपियों के प्रति बताया है कि कृष्ण की गोपियाँ किस तरह से विरह में व्याकुल हो गई है, तो उसका वर्णन विरह माने की वियोग। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार में विरह होता है। विद्यापति की कविता कहानियाँ, विद्यापति की विभिन्न कविताएँ हैं, उसी के अंतर्गत इसमें आपको पढ़ाई के लिए, पाठ्यक्रम के लिए अध्ययनार्थ जो विषय है वो है कि प्राचीन काव्य में विद्यापति की विरह यानी कि विद्यापति का श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन में दो भाग बताए गए हैं, पहला भाग है कि विद्यापति का संयोग श्रृंगार क्या है और दूसरा भाग है विद्यापति ने वियोग श्रृंगार का वर्णन कैसे किया। तो इस प्रकार संयोग किसे कहते हैं हम लोग, जिस तरह समय वह सामने होते हैं दोनों, तो उसे संयोग कहते हैं, विरह दूरिया हम उसे वियोग कहते हैं। अब यहाँ पर भक्ति भावना के बारे में बताया गया है, प्राचीन कवि विभिन्न हुए हैं, उन विभिन्न कवियों में से आपको दो बातें बताए हैं। अब ये विद्यापति ने कौन कौन से बातें लिखे हैं, अब विद्यापति इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात है कि विद्यापति का श्रृंगार वर्णन हो गया, वियोग वर्णन हो गया, उनकी भक्ति भावना, विद्यापति को भक्ति कवि कहा जाता था, विद्यापति को श्रृंगार कवि कहा जाता था, और विद्यापति के काव्य में इतना बारीक सौंदर्य, विद्यापति को श्रृंगार कवि ही नहीं बल्कि विद्यापति को यहाँ तक कि सौंदर्य कवि कहा जाता था। विद्यापति ने हूबहू सौंदर्य का चित्रण किया है, नारी का चित्रण करते समय या किसी प्रकृति का चित्रण करते समय या किसी भी कोने का, किसी भी हिस्से का समाज उनके चार साहित्य में के जब वे चित्रण करते हैं तो चित्रण करते समय उन्होंने हूबहू चित्रण किया है, और चित्रण में हर छोटी मोटी बातों का वर्णन किया है, और यहाँ तक कि उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है, सौंदर्य चित्रण किया है। विद्यापति ने अपने नायक नायिका इनके बारे में प्रकृति चित्रण विभिन्न प्रकारों से बताया है, जैसे कि विरहिणी रास्ते से जा रही है तो वहाँ किस तरह से लड़खाते बलखाते किस तरह से वह चलती है, रास्ते से निहारती है, वह देखती है, फिर किसी पौधे को देखकर वह ठहरती है, और उस पौधे को देखकर उसे उसका पहला प्रसंग याद आता है जब वह उसके प्रियतम से मिली हुई होती है, फिर उस पेड़ पौधों को देखकर, उस प्रकृति के चित्रण को देखकर प्रियतमा को प्रियतम की याद आती है। तो ऐसा प्रकृति का चित्रण, ऐसे प्रकृति का वर्णन जैसे कि विद्यापति ने उनके साहित्य में किया है,
और वहाँ वर्णन कुल मिलाकर उसमें विरह वर्णन में आता है। भक्ति भावना विद्यापति ने सच्चे लगन से भक्ति की है और मनोहारणीय चित्रण भक्ति का किया है यहाँ पर। और इस प्रकार हम लोग आज जो देखने वाले हैं कि केवल विद्यापति का नकशिक वर्णन, विद्यापति का श्रृंगार वर्णन, और विद्यापति ने अपने साहित्य में दो प्रकार के वर्णन किए हैं, संयोग श्रृंगार के, वियोग श्रृंगार के। और इसके बाद हम जो देखने वाले हैं कि उनकी भक्ति भावना, विद्यापति की भक्ति भावना सर्वश्रेष्ठ है। तो आदि बातें हैं, आज हम केवल इसी के अंतर्गत के दो भागों पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है, चर्चा की है। इस पर आप इस पाठ्यक्रम पर आप थोड़ा सा गौर से ध्यान से देखेंगे इस पर जो हमने डिस्कस किया है, और इसके आगे हम लोग जो देखने वाले हैं, क्योंकि आपको जब भी कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, आप एमए भाग दो के छात्र हैं और इसी के अंतर्गत आपको डिटेल्स में, हम लोग यहाँ पर संक्षेप में डिस्कस करते हैं लेकिन हमें लिखना डीप में है। मान लीजिए 14 मार्क्स का प्रश्न है तो 14 मार्क्स के प्रश्न के लिए हमें डिटेल्स में लिखना है, यानी कि पूरी तरह से पॉइंट्स किस प्रकार के होंगे, उसका एक्सप्लेनिंग यानी स्पष्टीकरण कैसे होगा, ये सब बातें हमें लिखना है। आपको केवल ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि मान लीजिए विद्यापति की पदावलियों में, विद्यापति के पदावलियों में विद्यापति ने श्रृंगार और वियोग का वर्णन कैसे किया है, या श्रृंगार रस को स्पष्ट कीजिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह डिटेल्स में लिखने हैं, और इसके लिए आपको हमें संदर्भ ग्रंथ कौन कौन से पूछे जाते हैं, इसके बारे में किताबें कौन सी यूज करनी है, ये भी बताने वाली हूँ। इसके अलावा आपको लाइब्रेरी में जाकर कुछ चंद नोट्स भी निकालने हैं और उस पर फिर हम डिटेल्स में देख देंगे। प्रश्न ट्यूटोरियल्स के रूप में होंगे, होम असाइनमेंट्स के रूप में होंगे, आपको रियाज करना है, उस पर लिखना है। और इस प्रकार से आज के लिए इतना काफ़ी है, इसे हम लोग आगे अगले पीरियड में कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ तक हम